यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल पत्थर से जो है, ये पत्थर से ढक दिया गया है, ये अंदर तो लोहे का हमने आपको बताया ही था वो लगा हुआ है। देखिए ये जो उतरा हुआ है ये पत्थर नहीं है, कोई और मटेरियल है, ये सारे के सारे ऐसे दीवार पे लगाए जाएंगे। तो दोस्तों हमने पूछा यहाँ पे वर्करों से, इन्होंने बताया ये चेकिंग पॉइंट है, पूरा का पूरा देख भी सकते हैं, वहाँ से पूरा लगा हुआ है। सही भी इधर एक साइड में बना दी, वो सीधे प्रभु श्री राम जी के भव्य दर्शन कर पाएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज है दोस्तों 13 दिसंबर और बुधवार का दिन है, तो हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं जन्मभूमि पथ का, दिखाएंगे क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा अयोध्या में हलचल भी हो चुकी है कि 22 जनवरी तक काम कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन्हीं सारी चीज़ों का हम आपको अपडेट देंगे। तो दिखाने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से हेल्प चाहिए, जैसा कि मैं काफ़ी दूर से आता हूँ वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए, और आप अपने इच्छा अनुसार जो भी मुझे सेंड करना चाहते हैं, 10 रुपये 5 रुपये, आप दिए गए UPI ID पे या मैं अपना बैंक अकाउंट दे दे रहा हूँ डिटेल पूरा, आप उस पर अपनी इच्छा अनुसार जो भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। बट कोई गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप भेजते हैं तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाती है, पूरे महीने में मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मुझे कहीं भी जाना होता है वीडियो शूट करने के लिए। आप खुद ही देखते होंगे मैं कितनी ज़्यादा हेल्प मतलब मेहनत करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, दूर दूर तक जाके आपको कंटेंट दिखाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो भी आप हंसी खुशी सेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वीडियोस अभी मौके पे जन्मभूमि पथ के पास क्या मतलब निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों हम खड़े हुए हैं रामपथ मार्ग के पास, और यहाँ पे ये तीर्थ क्षेत्र कार्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है, जो सहायता केंद्र है, देखिए वहाँ से वो जन्मभूमि पथ स्टार्ट है जहाँ पर वो भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाए। ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य देखिए कितना तेज़ हो रहा है, इसको तो बोला गया था कि जनवरी तक ये कम्प्लीट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ अभी नहीं नज़र आ रहा है। देखिए काम है, अब काम में तो टाइम लगेगा, अभी अच्छा काम हो रहा है L&T की कंपनी के द्वारा पूरा का पूरा। आप दिखाते हैं आपको रामपथ के साइड, ये है रामपथ मार्ग, काफ़ी टाइम से इसका भी आपको अपडेट नहीं मिला हुआ है, इसका भी आपको अपडेट देते हैं जल्दी। देखिए अभी भी यहाँ रामपथ पे कुछ ना कुछ बाकी है, नीचे डक्ट बना हुआ है, फिर एक ऊपर सरिया बिछाया जा रहा है, अब देखिए अब क्या चीज़ होगा। वहाँ पे उस जगह पे देखिए रेलवे स्टेशन मार्ग ठीक लेफ्ट साइड की ओर है, यहाँ उस जगह से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ये देखिए अब ये पास में है राम जन्मभूमि जाने के लिए मार्ग, यहाँ से 500 मीटर मतलब मान लीजिए कि 1600 मीटर की दूरी पे होगा सब मिला के रेलवे स्टेशन, बहुत ही नज़दीक। इधर सब निर्माण कार्य आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है, और देख सकते हैं ये पोल्स वगैरह भी रामपथ मार्ग पे डिज़ाइनर पोल्स लग गए हैं काफ़ी अच्छे, और इधर ये बिरला मंदिर बिरला धर्मशाला। तो कुछ ऐसे निर्माण कार्य अभी मौके पे हुए हैं रामपथ मार्ग पे, और ये सामने इधर हमने आपको बताया कि सहायता केंद्र के लिए पूरा बन रहा है, हो सकता है इसमें होटल्स वगैरह रूम्स वगैरह भी बने, मतलब होटल नहीं रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हो आने वाले टाइम में। अभी देखिए बिल्कुल काम जो है अब इसका जो है नीचे का बीम वगैरह बनने लगा है, और वो सामने देखिए बस स्टैंड वहाँ पे बनाया गया है, जैसा कि बहुत जगह उस तरीके का बनाया गया है। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये है मेन जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार, देख सकते हैं आप इतना भव्य, एक यहाँ पे लैंप लगा हुआ है एक उस साइड की ओर, बिल्कुल अपने आखिरी चरण में ये काम पहुँच चुका है। थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों वहाँ पे अभी मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर खड़े हुए हैं, मोल्डिंग देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत एक नंबर का, और उस साइड वाला भी देखिए। तो अभी हम चलेंगे इधर से अंदर, पूरा आपको दिखाते हैं क्या चीज़ कैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं, कितना सही है ये वाली गाड़ी, लोग कह रहे थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बट अभी तक चल रही है, साफ सफाई एकदम लगातार चल रही है नगर निगम की ओर से। और देखिए ये है बिल्कुल यहाँ से सामने कैनोपी का भी देखिए निर्माण कार्य भी दिखाते हैं आपको, यहाँ से दिखा रहे हैं पूरा व्यू जो कि आपको दिख जाएगा ये कंप्लीट। इधर ये रामपथ मार्ग, चलिए चले अंदर, देखिए ये वाला इधर का थोड़ा सा अभी धीमा ही काम हो रहा है, मगर लेफ्ट साइड वाले पे काफ़ी तेज कर रहे हैं। अभी देखिए नए निर्माण कार्य में ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे,
जो कि देखिए हो सकता है गेट वगैरह लगे। देखिए काफ़ी हैवी मतलब ये बनाया गया है। मान लीजिए इसको होगा ये इतने में 15 फीट होगा लगभग, ये हाइट में 2 मंजिल इमारत 25 फीट अभी तक बना हुआ है। ऐसे ही थोड़ा सा अंदाजे से बताने पे आप लोगों को भी पता चल जाता होगा। देखिए ये था निशुल्क कार्यालय, यहाँ पे कई सारी चीज़ों की सुविधा, जो कि ये वाला हट के अब पीछे सारी की सारी चीज़ बनेगी। अब कंटेनर में हो गया है, जैसा कि वो बन रहा है तो उसको बनने में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें हटाई गई थी। आप देखिए ये है, यहाँ पे पत्थरों पे कटिंग की जा रही है वो भव्य द्वार के निर्माण कार्य करने के लिए। आइए अब इधर से चलेंगे, हम आपको कैनोपी वगैरह दिखाएंगे। कैनोपी वगैरह दिखाने से पहले एक चीज़ और दिखा देते हैं। देखिए वॉल जो है यहाँ पे, वॉल का निर्माण कार्य कैसे किया गया है इस तरीके से, पूरा का पूरा जितना जन्मभूमि पथ है आगरी तक पूरा वॉल से कर दिया है, ताकि भविष्य में कोई भी दुकान वगैरह अगर अपनी खोले तो मतलब जो होता है अपना टीन्स वगैरह आगे ना निकाल पाए सब कुछ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा उससे भी दिक्कत आती है, लोग अपना सामान रख लेंगे फुटपाथ पे जो भी बना हुआ है, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इस बार चलते हैं। अभी देखिए ये फाइनल मतलब निकल के आया है कुछ ऐसा, ये कैनोपी यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल पत्थर से जो है, ये पत्थर से ढक दिया गया है, ये अंदर तो लोहे का हमने आपको बताया ही था वो लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा मतलब ये निकल के आया है बिल्कुल ऐसा। देखिए अभी भी जो है इस पर लाइट्स वगैरह पूरी अच्छी खासी लगा दी जाएगी। ये है सुग्रीव किला का, देखिए भव्य गेट का निर्माण कार्य चल रहा है, जो प्रवेश द्वार है बड़ा सा, क्या है ये वाला दूसरा यहाँ पे छोटा सा, इसको भी एक ही में जोड़ देना चाहिए था मगर जोड़े नहीं है, ऐसे ही है। आइए चलें उधर, देखिए दीवार पे वो लगना शुरू हो गया है, जैसा कि मैं बता रहा था लगेगा ऐसा ही, और पूरा का पूरा ला के रखा भी जा चुका है। देखिए जो टाइल्स वगैरह मतलब पत्थर वगैरह था इसको लगाने का काम चल रहा है, पिंक स्टोन। आइए इधर से दिखाते आपको, देखिए ये जो उतरा हुआ है ये पत्थर नहीं है, कोई और मटेरियल है, ये सारे के सारे ऐसे दीवार पे लगाए जाएंगे, इसको बोल सकते हैं एक तरीके से टाइल्स, मैंने देखा था किसी के वीडियो में वो बता रहे थे। आइए आगे दीवार पे दिखाते हैं, वो लगा भी है इधर से, देखिए यहाँ पे लगाया भी गया है इस जगह पे, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। ऐसे पूरे के पूरे वॉल पे एकदम आखिरी तक एंडिंग तक मतलब लगता चला जाएगा ये। एक चीज़ देखिए अपडेट में ये किया गया, ये पहले जो था काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाइट पे था ये सीट जो लगी हुई थी, अब इसको नीचे कर दिया गया है। देखिए ये कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब इतना रास्ता यहाँ पे छोड़ा गया है, देखिए क्या होता है, होगा किसी का आने जाने के लिए, या भविष्य में कुछ इधर से मार्ग वगैरह एक बनने वाला है सुग्रीव पथ, तो देखिए वहाँ से हो सकता है बने या फिर कहीं इधर ही से बने। अब सरकार ने क्या सोच रखा है वो अंदर की बात सरकार ही जाने, बट इतना पता है कि सुग्रीव पथ बनने वाला है। देखिए 1, 2, 3 ये 4 वो 5 मतलब 5 है पूरे ये कैनोपी छोटे बड़े सब मिला के। देखिए इसको इसी के अंदर ऐसे पहना दिया जा रहा है, जो है कुछ इस टाइप से है, काफ़ी हैवी हैवी है यार, ये नहीं कि मतलब पतला पतला है। बीच वाले पिलर्स पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा है इस समय। सामने आपको क्रेन्स दिख रही होगी, वहीं पे प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए ये पीपल का पेड़ यहाँ पे था, जिसको कि इसका नीचे का हिस्सा पत्थर से लगा के काफ़ी अच्छा कर दिया गया है,
और पीपल के पेड़ पे लाइट्स वगैरह देखिए लगाई गई है। सही है, रात में अच्छा लगता होगा देखने में। अब यहाँ से देखिए सीधे कितना सही लग रहा है ये पूरा का पूरा। आप देखिए क्या करते हैं, पेड़ पौधा भी बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं वो तो बाद में ही डिसाइड होगा। और देखिए यहाँ पे भी वॉल पे लगा हुआ है ये सामने इस जगह पे, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे, देखिए पहले इतने ऊंचाई पे सीट लगी हुई थी, यहाँ पे भी पुरानी सीट है, वही चीज़ इसको थोड़ा थोड़ा नीचे किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक यहीं से फ़ोटो लेते हैं, अभी सही है दिखाते। देखिए कुछ यहाँ पे हो भी रहा है पिलर पे काम, देखिए मतलब एकदम सटीक ये कहीं भी ऊपर नीचे ना रहे इतने अच्छे से इसको किया जा रहा है, सब देख सकते हैं आप। ये वाला सबसे लंबा है पूरा का पूरा, मतलब तो भी ये अलग अलग ही है, ऐसे दूर से देखने में लग रहा है पूरा एक ही में है। अब देखिए पूरा एकदम बराबर करके इसके ऊपर वही पिंक स्टोन लगेगा। राजस्थान से, मिर्जापुर से, मतलब जहाँ जहाँ ये पिंक स्टोन अवेलेबल है वहाँ वहाँ से आ रहा है। आइए इधर से इस पार चलते हैं। देखिए ये डक तुम्हें पानी जाने के लिए पूरा चैम्बर बनाया गया है कि ऊपर का टीन पे पानी गिरे तो चला जाए आसानी से। अब यहाँ से देखिए काफ़ी सही लगे, देखिए इतना छांव है मौके पे। अब कोई भी श्रद्धालु आएगा मतलब चाहे धूप हो चाहे बरसात हो उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी, तो ये सारी सेफ्टी है बाकायदे आराम से यहाँ पे मतलब देख सकते हैं छांव लगातार है। देखिए आपको वहाँ से छांव दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा देखिए आप, तो ये बहुत सही चीज़ है। देखिए ऊपर यहाँ पे अब लग रहा है, बस ये लास्ट है, इसके बाद पूरा खुला है। एक सहायता केंद्र यहाँ पे है, सारी चीज़ें फ्री, निःशुल्क प्रसाधन, टॉयलेट्स, सब कुछ फ्री, लॉकर भी है इधर। देखिए वहाँ पे लगा रहे हैं टीन शेड ऊपर वाला। ये देखिए यहाँ पे जो है पिंक स्टोन रखे गए हैं पूरे के पूरे गुलाबी पत्थर। अब देखिए इसकी बाउंड्री बड़ी कर दी गई है, पहले ये वाला हिस्सा जो था आपको याद होगा पिछले वीडियो में देखेंगे ये वाला हिस्सा काफ़ी उधर था, अब इसको इधर कर दिए हैं। तो फाइनल करके मुझे लग रहा है वहाँ से गिरते उधर से ऐसे घुमा के इतने हिस्से को जो है इसी में ले लेंगे, क्योंकि इसको मुझे लग रहा है यहाँ ये पूरा हर चीज़ चेकिंग वगैरह के लिए ये बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे देखने में लग रहा है। क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि किसी से पूछते हैं तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने पूछा यहाँ पे वर्करों से, इन्होंने बताया ये चेकिंग पॉइंट है, पूरा का पूरा देख भी सकते हैं वहाँ से पूरा लगा हुआ है। सही भी इधर एक साइड में बना दी चेकिंग पॉइंट कि आराम से इधर करते हुए फिर आप अंदर के साइड जाइए। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आके ये जन्मभूमि पथ जो है यहाँ पे लास्ट है, यहाँ से चेकिंग वगैरह होती है, फ़ोन्स वगैरह नहीं ले जाने देते हैं, बेल्ट नहीं ले जा, सिर्फ पैसा ले जाने देंगे और आपको जाने देंगे बस, इसके सिवा कुछ नहीं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको दिखाते हैं क्या चीज़ कैसे। यहाँ से भक्ति पथ मार्ग गया हुआ है, मतलब उधर से आया हुआ है यहाँ पे, इसका भी अपडेट हम आपको कल देंगे। दिखाते हैं यहाँ से, जूम करते हैं आपको। देखिए साइड साइड में यहाँ भी वॉल खड़ी की जा रही है, आप देख सकते हैं वो सब पेड़ काट डाले, बस यही पेड़ नहीं छोड़े, क्योंकि ये अगर नहीं रहता तो राम मंदिर साफ साफ दिखता। मगर तो भी अभी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे राम मंदिर का, ये है अमावा राम मंदिर, अभी हम इसी के ऊपर से चलेंगे, आपको राम मंदिर का थोड़ा बहुत दर्शन करवाएंगे। तो कुछ ऐसी अपडेट है दोस्तों, मौके पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य हो रहा है। ये दोस्तों आपको थोड़ा बहुत राम मंदिर का दर्शन करवाते हैं, आपको दिखाते हैं लेटेस्ट अभी कितना बन चुका है। तो ऊपर से ये कैसा है जन्मभूमि पथ, अभी चलेंगे हम उधर से फ्रंट से दिखाते हैं आपको राम मंदिर भी। देखिए यहाँ से ये जन्मभूमि पथ ऐसे आगे की साइड ऐसे गया हुआ है, देखिए ये होते हुए फिर वो सीधे प्रभु श्री राम जी के
भव्य दर्शन कर पाएगा। कुछ ऐसा अभी निर्माण कार्य हुआ है एकदम बिल्कुल ही लेटेस्ट, तो सभी लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। तो ये थी दोस्तों जन्मभूमि पथ की बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट। फिर मिलते हैं आपको भक्ति पथ मार के वीडियो के साथ कल की डेट में। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।